नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, नीचे किसी ने कुछ कमेंट्स पूछे थे और मोस्टली जो कमेंट्स थे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ही वीडियो के अंदर चार स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ। पहला है आइडिया शेयर के बारे में, राइट, और आलोक इंडस्ट्री शेयर के बारे में, यस बैंक शेयर के बारे में, और 8 रुपये का पेन स्टॉक, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये चारों स्टॉक के ऊपर मुझे लगा चार सेपरेट वीडियो में बना सकता था, प्राइस एक्शन बता सकता था, चार्ट एनालिसिस बता सकता था, और आपका फंडामेंटल एनालिसिस बता सकता था, सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज बता सकता था, चार अलग वीडियोस बना के। लेकिन मुझे लगा चलो सभी को मैं एक ही में इकट्ठा करके 10 मिनट का कंपाइल फाइल बना देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा। डेफिनेटली इस बात के लिए आप लाइक कर देना, और ऐसा कुछ एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं जिसमें मैं दो तीन स्टॉक के ऊपर बात करूँ तो डेफिनेटली आप नीचे लिख देना यस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। तो आप सभी को पता है कि प्लान जो है हर किसी कंपनी ने बढ़ा दी है, उस वजह से इस छोटी से पेनी स्टॉक को बेनिफिट मिला है, राइट। ये स्टॉक का रिटर्न देख सकते हो भाई, एक ही महीने के अंदर, अब तो कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन 6 महीने के अंदर, 3 महीने का मोटा मोटा पीरियड है ये, जहाँ स्टॉक ने 72% रिटर्न दिया है। तो देखो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, एक बात ध्यान रखना, ये स्टॉक ऊपर से कितना गिरा है, 70% टूट चुका है, ठीक है। लोगों की कैपिटल 70% जीरो हो चुकी है। अगर स्टॉक 2 रुपये से 8-10 रुपये हो जाता है तो भैया पैसा आपका 5x हो गया, लेकिन जिन्होंने पैसा यहाँ डाला हुआ है ना ऊपर, जिनको 70% नुकसान हो रहा है, उनके सेहत को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप इसको सोचिए बैठे हो कि यार ये पैसा यहाँ जाएगा, 100 रुपये जब दोबारा जाएगा तब मैं स्टॉक में प्रॉफिट में आऊंगा, ऐसा काम मत करा करो। आप क्या करो, जितना मौका मिलता है आप नीचे सस्ते में बाय करने का प्रयास किया करो, इसको बोलते हैं एवरेजिंग, ठीक है। तो ये जो स्टॉक में देखो, अगर अभी अभी मैं बात कर रहा हूँ चार्ट पैटर्न की, तो देखो 1 साल का जो चार्ट पैटर्न है मैंने अपने वीडियोस पे बताया था आपको लास्ट टाइम, आई थिंक 3-4 दिन पहले बनाया मैंने, आई थिंक इसके ऊपर वीडियो, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन बनाया था मैंने। तो मैंने आपका बहुत क्लियर कह रखा कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है ईयरली परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली स्टॉक का अकोमेट करके चल सकते हो। मात्र 10 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, और अगर 13-12 रुपये मिलता है तो भाई बहुत अच्छा प्राइस हो सकता है, और मिलेगा भी 10-12 रुपये, ठीक है, डेफिनेटली आएगा। बाकी देखो एनएससी में क्या काम हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर वही आता है जो आता रहता है कि इसके ड्यूज पे हो गए, ठीक है, इसका MACD का क्रॉसओवर हो चुका है, सेंडिंग दे रहा है, बाय सिग्नल दे रहा है, तो ये होता रहता है, ठीक है। तो टेक्निकल पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी अगर बात करते हैं कि कैसा रहा आज का दिन, यहाँ देख सकते हो 6 करोड़ शेयर आज भी लोग घर लेके गए, और ऑलमोस्ट 24% की डिलीवरी उठाई गई है। एंड दोस्तों अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। तो जैसे आपको पता है मैंने इसमें आपको एक व्यू अपना दे दिया कि यस बैंक को आप बाय करके चल सकती हो, ये स्टॉक आपको 17-18 रुपये का टारगेट दिखा सकता है विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ 12 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लो, और ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 17-18 रुपये के टारगेट दिखाएगा। और कल मैंने आई थिंक इसमें वीडियो कवर नहीं किया था, इसमें एक अच्छी खासी अपडेट आया, मतलब इसके फेवर में कंपनी के आई है खबर, ठीक है। आप ये देख सकते हो, जो उसका डिपोजिट राइज हुआ है वो 20% ईयरली बेसिस में इंक्रीज हुआ है। तो मतलब हम जो लोग डिपॉजिट करते थे बैंक में, उन्होंने इस थोड़ा विश्वास उनका दोबारा आया है वापिस, और वो डिपॉजिट करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया है, तो राइज देखने को मिलता है। और डेफिनेटली जब पैसा जाएगा सिस्टम के अंदर तो भाई तभी तो आगे बांटेगी पैसा, और जब पैसा बांटेगी डेफिनेटली वहां से इनकम आएगी अच्छी खासी, राइट। तो इन शॉर्ट अच्छी खबर थी, और ये धीरे धीरे करके ऐसी खबरें आपको देखने को मिलेगी यस बैंक में। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के नंबर धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। तो 17-18 रुपये के मेरे मैक्स टारगेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया 100 रुपये हो जाएगा, 200 हो जाएगा, वो छोड़ दो, वो जमाने से ले गए, पहले 17-18 रुपये का गेम करो। गेम करने के बाद ये देखना कि प्रमोटर्स छोड़ो, हाँ प्रमोटर्स तो होंगे नहीं इसमें, लेकिन वो देखना कि जो आपके DIIs है वो क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो DIIs भाई लोग क्या कर रहे हैं, FIIs देखो लगातार अपनी होल्डिंग हल्की कर रहे हैं, FIIs लगातार होल्डिंग हल्की कर रहे हैं, 10 से 7 कर दिया यस बैंक का खुला मैंने। DIIs को देखो 21 थी, बढ़ा दी थी, आपको पता है रीजन, सबको पता है, ठीक है। 69 हो गई थी ये रही जून 2020 में, अब देखो 49 हो गई, 47 हो गई, 46 हो गई, दोबारा बढ़ गई, दोबारा घट गई। तो लगातार आपके जो DIIs है वो भी स्टॉक से अपना माल खींच रहे, धीरे धीरे करके खींच रहे, लेकिन खींच रहे, लेकिन अभी भी 45% है, बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर है भाई 45%, ठीक है। धीरे धीरे करके इसको ऊपर लेके जाएंगे 18 रुपये, वहां पर थोड़ा माल हल्का करेंगे, फिर 20 रुपये लेके जाएंगे, वहां माल हल्का करेंगे, 25 लेके जाएंगे, वहां माल हल्का करेंगे, मतलब हर लेवल्स में ये माल हल्का करेंगे। बाय कौन करेगा, हमारा रिटेल,
पब्लिक। तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है। स्मार्ट कैसे बनोगे? आपको कुछ टेक्निकल्स देखनी है, जहां स्टॉक आपको सस्ता लगता है वहां बाय करो। सस्ते का मतलब मैंने आपको बता रखा है, जब भी कोई स्टॉक एक रेंज बनाए, देखो ऐसे नीचे गिरे फिर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद यहाँ स्टॉक का एक्यूमुलेट करो, और जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट करे एग्जिट मार दो। मतलब अपना रिटर्न कैलकुलेट कर लो दिमाग में कि 10% 20%, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये सोच लो कि 100% जाएगा 200% जाएगा, मत सोचो भाई इतना दूर का मत सोचो। ठीक है, आलोक इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं अब। तो आलोक इंडस्ट्री के बारे में आप लगता क्वेश्चन पूछते हैं, तो 24 रुपए का मात्र शेयर है। मैक्स चार्ट आप देख सकते हो, अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ये कुछ सालों तक यही ट्रेड कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं इसका चार्ट पैटर्न, जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आलोक इंडस्ट्री के हम चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखो चार्ट पैटर्न के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो ये पूरा एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है। इसने देखो इस कैंडल ने जो हाई बनाया था, देखो ये जो कैंडल थी इसके अंदर इसने ऑलमोस्ट 8-9 महीने बिता दिए। ठीक है, दोबारा देखो यही कैंडल बन गया है बिल्कुल सेम जैसी, 8-9 महीने यही बिता देगा दोबारा से। ठीक है, अब ये या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा या ऊपर की तरफ करेगा, अब ये टाइम बताएगा आपको। राइट, तो आपको क्या करना है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो देखो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अगर बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ करो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो यार वो यार आप अभी मत करो। देखो ये जो ये देखो रेजिस्टेंस एरिया, देखो पूरा हाई को हाई मिलाओ और लो से लोस मिलाओ, तो एक ये चैनल बन गया। अब ये इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको दिखेगा कि देखो ये लगातार रजिस्ट कर रहा है एरिया, देखो ये रजिस्टेंस ले रहा है 1, 2, 3। तो ये स्टॉक यहाँ से रजिस्ट क्यों ले रहा है, दिमाग लगाना आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये रजिस्टेंस एरिया है। जब तक इसके ऊपर एक हरी कैंडल क्लोजिंग करती है डू नॉट बाय, सिंपल सा लॉजिक। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो जब तक एक हरी कैंडल क्लोजिंग करती है बाय मत करना, ये सेफ प्ले होगा स्टॉक में। बाकी यहाँ नीचे आएगा दोबारा, ये सपोर्ट लेगा यहाँ पर, ठीक है कितने रुपए के आसपास, 22 रुपए के आसपास, तो बाय कर लेना वहां पर, थोड़ा रिस्क ले लेना और स्टॉप लॉस लगा लेना 20 रुपए का मात्र, 2 रुपए के स्टॉप लॉस से, एंड टारगेट दोबारा 24 रुपए रहेंगे। फिर ऊपर जाएगा दोबारा, इसको रिटेस्ट करेगा, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता हरी कैंडल डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर नहीं करता है तो दोबारा नीचे आ जाएगा। समझ आ गया? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी बाय नहीं करना है, थोड़ा नीचे आने दो, 22 रुपये 23 रुपये 10 इन कैन अकोमोडेट, अभी बाय करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन दोबारा अगर ये यूटर्न लेके ऊपर जाता है, हरी कैंडल क्लोज करता है, देन यू कैन थिंक, आप सोच सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टॉक की तरफ, का नाम है हमारा जो फाइनल स्टॉक है नोएडा टोल ब्रिज। जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म का मतलब कि अच्छे गेन्स आपको मिल सकती है। ठीक है, अब ये स्टॉक अच्छा क्यों था मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ठीक है, मैंने भी स्टॉक नहीं बाय किया था, मैंने बाय नहीं किया था स्टॉक को। ठीक है, और इसका रीजन क्या था, देखो मैं स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड क्यों किया था, पहली बात तो ये स्टॉक यहाँ आपको कहीं दिया गया था इस लेवल के आसपास, 6 रुपए के आसपास। ठीक है, और देखो इसमें अच्छा खासा एक मंथली इनसाइड कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न बना था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने स्टॉक आपको सजेस्ट किया था, और 6 रुपये स्टॉक आपका 8 रुपये 99 पैसे तक गया। तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर लो भाई। राइट, ये बाय था, अगर ये स्टॉप लॉस था, एंड टारगेट आप देख सकते हो। दोबारा देखो यहाँ पर एक मंथली इनसाइडर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसको भी अगर आप मार्क कर लो, ये बाय था ये स्टॉप लॉस था। तो अब मैं यही बोलूंगा 6-70 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, और एक और बात ध्यान से सुन लो, शॉर्ट टर्म गेन्स का था, अगर स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, और मुझे लगता है पर्सनली कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कर सकता है, नोएडा टोल भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कर सकता है, तो लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस भी एक बार सुन लो। लॉन्ग टर्म का दोस्तों जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 6 रुपये 40 पैसे का। राइट, और एक और चीज ध्यान रखना, अगर स्टॉक की 10 रुपये 70 पैसे का दिख रहा है, 10 रुपये 70 पैसे अगर इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर देता टू ग्रीन कैंडल दो हरे कैंडल, तो डेफिनेटली स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आएगी। ठीक है, तो 6 रुपये 40 पैसे का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है, और ये शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो 6-77 रुपये के आसपास का, 6-77 रुपये के आसपास का, जैसे बताया था शुरू में। राइट, और 10-70 के ऊपर जैसे क्लोज करेगा बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आई थिंक 4 स्टॉक के मैंने बात कर लिया, जो आपको बताया प्योर प्राइस एक्शन है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो करो, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे कॉमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देते हो, बाकी अपने कॉमेंट कर देना स्टॉक के नाम, डेफिनेटली अगली क्लास में ऐड कर दूंगा।